Physically challenged children. The name of the chapter is Sensitivity Towards Others. So let us see. Young Saloni suffers from cerebral palsy. It is a condition where a person's muscles do not respond normally. Her right side is weaker than the left. Muscles जब ठीक से काम नहीं करती हैं, तो जो है उनका कोई पार्ट कमजोर हो जाता है. तो सलोनी के साथ भी यही प्रॉब्लम है. Her right arm is rigid. She has a brace for the right leg and walks in a bumpy way. She cannot run and her speech is unclear. She finds it difficult to hold a pencil and write. तो उसको सारी जो नॉर्मल बच्चे आराम से जिन कामों को कर लेते हैं, दौड़ना, बोलना, पेंसिल को पकड़ना, लिखना, वो नहीं कर पाती है क्योंकि वो फिजिकली चैलेंज है. उसको जो बीमारी है उसमें मसल्स वीक हो जाती है एंड दे डोंट वर्क प्रॉपरली. शी हैज टू अंडरगो स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी. उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत है. स्पीच थेरेपी उसको चाहिए. शी रिमेंस क्वाइट एंड डज नॉट इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रन. वो दूसरे बच्चों के साथ में बात नहीं कर पाती है. The only time she smiles is when her teacher switches on the music. As I told you, कि वो म्यूजिक सुनकर बहुत खुश होती है. Her body sways to the rhythm of the music. और जब वो म्यूजिक सुनती है तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, मतलब वो झूमने लगती है. In earlier times, most physically challenged children were not given any special education and training. पुराने समय में ऐसा नहीं होता था. फिजिकली चैलेंज बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा और ट्रेनिंग नहीं दी जाती. द पेरेंट्स वर अनअवेयर अबाउट द हेल्थ एंड ट्रेनिंग दैट कुड मेक देयर लाइफ हैप्पी एंड कंफर्टेबल. पेरेंट्स को जानकारी नहीं होती थी कि वो अपने बच्चे को ये सब सुविधाएं दे करके उसको खुशी और आराम दे सकते हैं. बट इन रिसेंट टाइम्स लॉट ऑफ प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन दिस फील्ड. बट अब काफी सारी प्रोग्रेस हो गई है. नाउ मैनी स्पेशली ट्रेन्ड टीचर्स एंड थेरेपिस्ट प्रोवाइड गाइडेंस टू दीज स्पेशल चिल्ड्रन. अब बहुत सारे टीचर और थेरेपिस्ट जो कि स्पेशली ट्रेन जिनको किया जाता है, स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है, वो ऐसे बच्चों को देखभाल करते हैं. देयर फैमिलीज आर ऑल्सो ट्रेन टू डील विद देम. उनके परिवारों को भी शिक्षा दी जाती है कि वो अपने बच्चे को कैसे डील करेंगे. प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड द फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन मोर मोबाइल एंड इंडिपेंडेंट. तो साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से इन बच्चों की लाइफ स्मूथ और ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई है. उनको दूसरे वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं. दे कैन यूज स्पेशल मशीन फॉर एक्सरसाइज एंड ग्रेटर मूवमेंट. तो स्पेशल मशीन बनाई जाती हैं जिससे कि वो एक्सरसाइज भी कर पाते हैं और मूवमेंट कर पाते हैं. फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल स्किल्स टू ईट, रीड, मूव अराउंड, एक्सप्रेस देमसेल्फ्स एंड यूज द टॉयलेट. इन सब कामों के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है. दीज स्किल्स मेक देम कॉन्फिडेंट एंड लेस डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल. जब ये सब कुछ सीखने लगते हैं, सीख जाते हैं, खुद से कामों को अपने करने लगते हैं, तो वो ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाते हैं और अपने ऊपर मतलब आत्मनिर्भर भी हो जाते हैं. आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता में बढ़ती जाती है. द टीचर्स डीलिंग विद दीज चिल्ड्रन ऑल्सो रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग. तो ऐसे इनके जो टीचर होते हैं उनको भी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है. द ट्रेनिंग हेल्प्स द टीचर टू क्रिएट अ सूटेबल एनवायरनमेंट वेयर स्पेशल चिल्ड्रन लर्न न्यू स्किल्स फास्टर. तो वो लोग ऐसा वातावरण दे देते हैं जिसमें ये बच्चे नई स्किल्स को तेजी से सीख पाते हैं. द टीचर्स नीड पेशेंस, काइंडनेस एंड द सिंपैथेटिक एटीट्यूड. टीचर के अंदर धैर्य होना चाहिए. जल्दी से नाराज होना, परेशान हो जाना, ये सब नहीं होना चाहिए. काइंडनेस, दया की भावना होनी चाहिए. साथ ही साथ सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण भी होना चाहिए. वो ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम को समझ करके उनको अच्छे से डील कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट. द स्कूल एज वेल एज द फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन. स्कूलों का नहीं, परिवारों का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है ऐसे बच्चों की देखभाल करने में. दोनों मिलकर के जब देखभाल करते हैं तो बच्चे ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द पेरेंट्स रिमेन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द टीचर फॉर गाइडेंस. ये बहुत जरूरी है कि जो माता पिता हैं वो टीचर्स के साथ कॉन्टेक्ट में रहें जिससे कि
टीचर और पेरेंट्स दोनों एक दूसरे को गाइडेंस अच्छे से दे पाए, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो वो टीचर को बता सकते हैं कि इसकी नेसेसिटीज क्या है। इफ ए स्पेशल चाइल्ड लाइक टू डांस और प्ले, ही शी शुड बी प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी। अगर कोई बच्चा जो कि फिजिकली चैलेंज है, उसे डांस करने का मन है या खेलने का मन है, तो उसे उसका मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चों को खेलना पसंद होता है, सभी बच्चों को अच्छा लगता है, तो वो भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह जब खेलता है डांस करता है तो वो खुश हो जाता है और कॉन्फिडेंस हो जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सपर्ट डीलिंग विद फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन एडवाइज दैट दीज चिल्ड्रन मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद अदर चिल्ड्रन। तो लोगों का ये कहना है, विशेषज्ञ जो होते हैं वो बताते हैं कि ऐसे बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ में मिक्सअप करना चाहिए। दिस इज नोन एज इंक्लूसिव एजुकेशन। इस एजुकेशन को इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, क्योंकि जब वो मिक्सअप हो जाते हैं तो उनकी लर्न करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। दे शुड बी सेंट टू अ नॉर्मल स्कूल। व्हेन दे इंटरेक्ट विद द अदर चिल्ड्रन दे डेवलप कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को बच्चों के साथ अच्छा लगता है और बच्चे बच्चों के साथ इतना कंफर्टेबल होते हैं तो उनकी सीखने की जो गति होती है वो फास्ट होती है। इट ऑटोमेटिकली एनहेंसेस देयर लर्निंग एबिलिटी। दे ओवरकम हर्डल्स लाइक शाइनेस एंड हेजिटेशन। व्हेन दे ज्वाइन नॉर्मल स्कूल, चिल्ड्रन विद फिजिकल चैलेंजेस हैव डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप विद अदर्स बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल लिमिटेशन। तो दूसरे लोगों के साथ वो सही रिलेशन नहीं बना पाते हैं, झिझकते रहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन विल ऑटोमेटिकली हेल्प देम टू फॉर्म रिलेशन विद अदर स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स एक्सेट्रा। तो बच्चे नकल करके ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए जब वो नॉर्मल बच्चों के साथ रहते हैं तो उनकी सीखने की स्किल ज़्यादा होती है और फिर वो सभी के साथ में अच्छा रिलेशन इजीली बना पाते हैं। उनके अंदर जो शाइनेस या हेजिटेशन होती है वो उसके आड़े नहीं आती। इंक्लूसिव एजुकेशन ऑल्सो बेनिफिट्स अदर स्टूडेंट्स। दे नॉट ओनली डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन बट ऑल्सो डेवलप अ केयरिंग एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड टूवर्ड्स देम। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या डेवलप होता है कि अंडरस्टैंडिंग आती है, वो उनकी ज़रूरतों को समझ जाते हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ केयर जो होता है वो डेवलप होता है, साथ ही वो ज़्यादा दयालु बन जाते हैं, ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण बन जाते हैं। दिस ब्रिंग्स अ ग्रेट चेंज इन द सोसाइटी। तो जब बच्चे जो है वो सहानुभूति से दया से परिपूर्ण होंगे तो फिर समाज में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। सभी को सबके साथ दया का प्रेम का व्यवहार करना चाहिए तो बच्चे वो ऑटोमेटिकली फिजिकली चैलेंज बच्चों के की केयर करते करते वो सीख जाते हैं। तो ये दोनों को फायदा होता है, एवरीवन और आफ्टर ऑल सोसाइटी को फायदा होता है। एवरीवन रियलाइजेज द प्रॉब्लम दैट स्पेशल चिल्ड्रन फेस एंड वर्क टूवर्ड्स मेकिंग देयर लाइफ हैप्पियर। जैसे कि आपने स्कूल में भी देखा होगा कि कुछ फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं तो उनके जो क्लासमेट्स हैं वो उनको हेल्प करते हैं, बस में चढ़ाना, बस से उतारना, जरूर आपने देखा होगा। तो इससे क्या होता है, उनकी रिलेशनशिप अच्छी बनती है और आफ्टर ऑल सोसाइटी अच्छी बनती है, समाज अच्छा बनता है, समाज में लोग एक दूसरे को केयर करते हैं और लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है और हम लोग आफ्टर ऑल स्ट्रांग बनते हैं। फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन कैन फंक्शन एट पार विद द नॉर्मल चिल्ड्रन। दे जस्ट नीड, उनको क्या चाहिए, ए पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल अराउंड देम, सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टेकिंग केयर ऑफ नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, थेरेपीज टू हेल्प एंड गाइड देम एंड लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। बहुत सारा प्यार भी चाहिए होता है उनको, सारी ट्रेनिंग के साथ, टीचर के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, लोगों के दृष्टिकोण के साथ, ये सारी चीज़ें उनके अंदर तभी अच्छे से होंगी जब उनको ये सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल होंगी। तो डिसेबल डज नॉट मीन अनेबल। डिसेबल वो फिजिकल कंडीशन है, मेंटल कंडीशन नहीं है। ओके, तो ब्रेन जो है वो हर हालत में वर्क करता है और उसको अगर ट्रेनिंग दी जाए तो फिजिकली चैलेंज जो फिजिकल डिसेबिलिटीज होती हैं वो लाइफ में आगे नहीं आ सकती है। एक उदाहरण ले सकते हैं हेलेन केलर का। हेलेन केलर इज ए सिंबल ऑफ करेज फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोगों के लिए साहस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। शी वॉज द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू गेट अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। उन्होंने अंधे और बहरे होते हुए भी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली थी।
शी रोट ओवर 12 बुक्स, 12 तो किताबें लिखी थी, जबकि वो बहरी भी थी और अंधी भी थी, एंड मैनी आर्टिकल्स और बहुत सारे लेख भी लिखे थे। हर फेमस बुक्स आर द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द वर्ल्ड आई लिव इन, लाइट इन माई डार्कनेस एक्सेट्रा। ये कुछ उनकी किताबों के नाम है, 12 किताबों से ज्यादा उन्होंने किताबें लिखी है। शी वर्क हार्ड टू मेक द लाइफ ऑफ पीपुल लाइक हर बेटर। तो उनकी तरह जो फिजिकली चैलेंज पीपुल होते थे उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हेलन केलर ने बहुत काम किया। ना केवल अपनी शिक्षा पूरी की, ना केवल किताबें लिखी, बल्कि उनकी तरह जो फिजिकली चैलेंज लोग होते थे, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से समझती थी कि कितनी जरूरत है इस बात की उनके जीवन को अच्छा बनाने की, उनके जीवन के लिए वर्क करने के लिए, तो उन्होंने उनके लिए काम किया। दिस वर्ल्ड फेमस ऑथर ऑल्सो बिकम्स अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, लेक्चरर एंड ह्यूमैनिटेरियन। तो उन्होंने इस सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी बनी, लेक्चरर भी बनी और ह्यूमैनिटेरियन भी बनी। दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स टुडे, एंड यू रिवाइज द चैप्टर, योर होमवर्क इज, एंड जब आपकी फरहत मैम आएंगी तो आप उनको बताएंगे कि आपने कहाँ तक स्टडी कर लिया है और वो आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग अबाउट फिजिकली चैलेंज पीपल, एंड सी यू इन नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट क्लास, इफ इट इज पॉसिबल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।